तो राम राम जी, सबने एनडीआर वर्ल्ड व्लॉग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है भाई। उम्मीद करते हैं सारे लोग बढ़िया होंगे। तो भाई आज आए हुए हम इसे ट्रैक्टर की एजेंसी पे, जो कभी देखने में बढ़िया लग गया है और कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है, और क्यों कम कीमत क्यों ज़्यादा है वो आपने बताऊँगे। तो चलो देखते हैं आज उस ट्रैक्टर ने भाई। तो भाई कमेंट में बता देना, इतनी वीडियो देखने के बाद में कमेंट में बता देना भाई कौन सा ट्रैक्टर है यार। और फिर भी मैं अपना आगे दिखा दूँ, पीछे दिखा दूँ, सारे कुछ दिखाऊंगा भाई। इस ट्रैक्टर में सारा कुछ बढ़िया लग गया मैंने, सब तो भुंडी बात या लग गई या हुज वाली भाई, हुज की जो पत्ती है ना कहते ये देख रखी होंगे आपने, ये चीज़ बढ़िया ना है। ये अंदर से सपोर्ट बस ये है यार, तीन बुलटा में चार बुलटा में दट रही है यार, और चौथा पे भी यह पत्ती लग रही है, इस वजह से ये ठीक ना। लेकिन भाई सेंसिंग के मतलब कहते बढ़िया है, ये एक नंबर का ट्रैक्टर लग गया, सारा कुछ दिखाऊँगा अपने। और यो ट्रैक्टर भाई यो देख सको भाई, यह है कुबोटा MU5502 भाई। ट्रैक्टर के नैसरा ला गया, जो बैक टायर है आपने दिखा दी, ये 16x28 के है, ये टायर साइज है भाई 16x28। और रिम भी कहीं देखने में भाई बढ़िया ला गया है, बैठ के देख के हैगा। 7x16 के टायर हैं फ्रंट वाले। और जो भाई बैठ के आगे लें ट्रैक्टर पे, मैं देखना चाहूँ भाई आप पूरी लुक दिखाऊंगा ट्रैक्टर की, किसी इलाके है आप कमेंट में बता देना भाई ये है यार, आपने मतलब किसा लाग रहा है यार ट्रैक्टर भाई, यो कमेंट में ज़रूर बताना भाई। लेकिन भाई पावर के मामले इसमें बता दूँ मैं, यो जो आप है 5502 50 HP में आप है, और जो 5501 है वो एक रहा है 55 HP में। यो इस पर भाई बम्पर वगैरह ना लग रहा, तनक सा अजीब से लग रहा होगा अपने, देख सको भाई देखने में कितनी बढ़िया लग गया है। यो है 4501, ऊंचाई का डिफरेंस भी आपने दिखाऊंगा, ये साइलेंसर है भाई, बाकी सारा कुछ सेम है, ऊंचाई का डिफरेंस है, एचपी का डिफरेंस है। गियर गुड में आपने सब दिखाऊंगा भाई, यह है 5501। इसमें भाई रिवर्स गियर इसमें दे रखा है, हाई लो और रिवर्स एक में दे रखा है, और पहला दूसरा तीसरा चौथा इसमें दे रखा है। सटल गियर बॉक्स को नहीं आया मैं, चलो उस वाले के दिखाता हूँ अपने। बाकी भाई इसकी जब सेंटर पे ना आई हो तो कितनी बढ़िया देख रखी है भाई, इस कंपनी ने सब तो हट के दिया यार, आगे तो चार बोल्ट खोल लो और पीछे तो चार बोल्ट खोलो भाई, पूरा अगला हिस्सा बाहर निकट जा है आराम तय। और भाई एक चीज़ वो जो कि इस ट्रैक्टर ने सबसे डिफरेंस अलग बना हुआ है, डिफरेंट है ना जो वो सबसे अलग बता हुआ है, देख भाई यो है इसका छोटा सेल्फ बाइक किससे में भी ना आता, बाइक की बैटरी जो है ना मोटरसाइकिल की बैटरी इसने स्टार्ट कर दिया है भाई, आप सालों साल चला लो मरी हुई बैटरी भी काम कर जाओगी सुबह। और भाई या गियर है, मैं अपने भाई पछड़ के दिखाना चाहूँगा भाई, सस्पेंडल पैडल के लिया हुआ है सुबह, देखो भाई देखने में घना सुथरा लग गया है, मीटर वगैरह भाई काफ़ी सारा कुछ बढ़िया है। तो भाई हाई लो मीडियम में है या हाई लो मीडियम में है या क्लच होगी कि, अरे ओ भाई पहला दूसरा तीसरा चौथा जो एक्सीलेटर हो गया भाई अपना, देख रहे भाई काफ़ी खुला डुल्ला प्लेटफॉर्म है, कतई पैर टकराने की दिक्कत भी को ना समय, और एक्सीलेटर भाई कतई स्मूथ आएगा, पैर धर दो भाई काम करने लग जा है। जो लिफ्ट है भाई लिफ्ट सिर्फ दो लीवर दे रखे है, और इसमें भाई डिफरेंस लॉक भी है, ये वाला डिफरेंस लॉक भी है, चलो आपने फिर नीचे दिखावा है, जो कि भाई और कंपनियां तो भाई यो महंगा इस वजह से भाई, देखो यो जो मड गार्ड की सपोर्ट दे रखी है भाई इस मॉडल में, मतलब 55 या 50 HP में ही आवा है, 45 में ना आती, और कंपनियों की बात करो तो भाई और कंपनियों में तो यो चीज़ आती भी कौन है, मतलब काफ़ी बढ़िया लगी मैंने यो कंपनी की चीज़, इस तरह ना अपने मड गार्ड की सपोर्ट बनी रहे है यो, ना तो भाई वाइब्रेशन देवेंगे ना यो हिलेंगे। और इस बारे जब बात करूँ भाई तो इसमें ना आती है चीज़ 45 HP में ना आती, 50 HP में और 55 HP में यह आती है,
और फिलहाल के टाइम पर भाई हमारी कम हमारे इंडिया में यहाँ सिर्फ 55 HP तक आवा है यार, 60 HP को नहीं। और यह कंपनी वाले यो दावा कर रहे हैं कि भाई हमारा 55 HP किसी भी ट्रैक्टर तक लगा दो 60 HP वाले तक तो भाई पीछा ना हट सकता कतई भी। और भाई जो इसका आप मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहूँगा भाई, आप वीडियो पुश करके आराम से पढ़ लेना कि है या ट्रैक्टर की इन्फॉर्मेशन के बारे में। और जो पिस्टन है भाई इसकी कतई भी वाइब्रेशन ना करती इसकी, एक तरह तो कंपनी ने बढ़िया सेटिंग दे रखी है। और यह है डिज़ाइन भाई कुबोटा इन जापान, भाई जापान कंपनी बना हुआ है। जो लोगो भाई उभरा वो लोगो है जो कि आजकल बाइकों में आवा है भाई, सारा शुद्ध बढ़िया है समय। और सबसे बढ़िया बात मनना मैं अपने बताना चाहूँगा यो इलाकी मनना यो सेंटर पिन जो है ना अगला हिस्सा भाई कुछ भी एक्स्ट्रा खोलने की जरूरत ही कौन है समय, बस जो पावर स्टेयरिंग के पाइप लिकाट दो हटा है। अरे यो 4 वोल्ट यो है कि 4 वोल्ट आगे पीछे तक काट दो, 4 वोल्ट आगे तक काट दो, बस भाई सारा झंझट खत्म है समय, और कुछ ना बचता। और कंपनियां में क्या है भाई रेटर भी अलग करना पड़ा है, और ट्रैक्टर जो हो रहा है करें उसमें रेटर भी अलग करना पड़ा है, जाली भाई घने बस यो यह दिक्कत मना यो डक लगी भाई यह एडजस्ट करने वाला ना है फ्रंट एक्सल यो होता कंपनी ने भाई यो चीज़ देना चाहिए, यो कंपनी की कमी है। बाकी ट्रैक्टर भाई आपने किसा लागा वीडियो में भाई जरूर कमेंट में जरूर बताना भाई। भाई इसमें 45 मार्क में या सो ब्लैक कर रखिया, इसमें ऑरेंज कर दी मतलब ट्रैक्टर से मैच कर रखिया। और साइलेंसर की जो अंदर एक भट्टी हो वह वो अंदर दे रखी, मतलब आप बाग बगीचे में कितने भी जो साइलेंसर बाहर काट के आराम से चलाते रहो, कोई भी एक्स्ट्रा आवाज ना होगी, जो साइलेंसर पूरा बाहर काट दो या लगे रहने दो कोई दिक्कत ना आएगी, ना आवाज में कोई डिफरेंस आएगा ना और कोई बात है। और सबसे बढ़िया बात तो भाई ये चीज़ लागी मैंने कंपनी ने ना हर चीज़ में सपोर्ट दे रखी है। तो भाई ट्रैक्टर कैसा लग गया आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। या कंपनी ने भाई फिल्टर दे रखे है सब ट्रैक्टर तो बड़े बड़े, यानी कि आप वो हर सर्विस पर फिल्टर चेंज करने की जरूरत भी ना रहेगी। और भाई यो पंप मैं अपना दिखाना भूल गया, यह पंप भाई सब ट्रैक्टर आता हटके है सब था अलग, इसका यो जो पंप है ना भाई आप और ट्रैक्टर के अपेक्षा ना इसे ना कम से कम 10 साल है ज्यादा चला सको और ट्रैक्टर की ना चल करती क्या है भाई टेक्नोलॉजी के हिसाब से ना यह कंपनी जो पंप है छोटी दे रखी है, लेकिन और ट्रैक्टर आता है सबका बढ़िया काम कराया यार, HP में भी कतई बढ़िया जोर मतलब कितना भी लगा लियो यार। अब ये जो ट्रैक्टर है ना भाई 50 HP है, इस पर ना 9 फुट का रूटावेटर कंपनी दावा करके दे है कि 9 फुट का रूटावेटर चला होगा आराम तय, ना किसी चीज़ का लोड रहेगा ना कोई और बात है। तो मान अपना दिखा दूँ नीचे तो भाई और ट्रैक्टर की तरह ना इसमें कोई झाड़ पल्लू सुना दे रखिया भाई, एकदम फ्लैट दे रखिया नीचे तक भी और ऊपर तक भी, न फालतू का कोई रोड आती ना फालतू का कोई पाए पाए करता, मतलब सारा कुछ बॉडी शेप में ही मेंटेन कर रखा कंपनी ने, सारा कुछ एक नंबर का मेंटेन कर रखा है। इस वाली इस जाली में भीतर बैटरी ला रखी है। और मैं अपने पीछे और एक चीज़ दिखा दूँ इसके भाई लिफ्ट भी काफ़ी उड़चा है और ट्रैक्टर की अपेक्षा इसमें बढ़िया उड़चा है। और यह भाई जो लीवर दिख रहा है अपना या PTO वगैरह है, अब पीछे तो चक्कर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कर सको, एक 540 आवे है इसमें, एक 750 आवे है, तो इस लीवर तय हो जाए है। बाकी यो मडगार्ड की सपोर्ट देख सको भाई, और लिफ्ट में अपना ये बस 2 लीवर दिखाई दे हैं बस, तीसरा कोई एक्स्ट्रा ना आता। ये भाई और ट्रैक्टर में आगे तो पड़े है इसमें जो पीछे गियर बॉक्स का ऑयल है या लिफ्ट वाला जो बोले हैं तो पीछे तो डाल दो आराम से। और भाई जो ट्रैक्टर और हमें आए कर तो मडगार्ड पर जो चीज़ आए कर नंबर खातर इसमें भाई सब अलग दे रखी है यो
और इस पर लाइट भी लाग रही है, यहाँ पर नंबर गिर जाए हैं, आराम से बढ़िया चल रहा है। यो भाई देखो, यो 50 HP है और यो है 45 HP, तो ऊंचाई के डिफरेंस ये है। इसमें 14 के टायर हमें गिर लाता ही, और इसमें हमें है 16 के टायर। यो ऊंचाई के डिफरेंस आपने देख रखा होगा, बाकी सारा कुछ सेम है भाई, बस कंपनी जो टेक्नोलॉजी दे रखी है वो बढ़िया दे रखी है, क्योंकि भाई जापान की कंपनी है, बढ़िया चल रहा है। तो भाई वीडियो आपने कैसी लगी, भाई कमेंट में बता देना भाई। और ट्रैक्टर भी भाई मन्ने तो काफ़ी बढ़िया लग गया, और तो आपके माइंड में क्या लग रहा है, ट्रैक्टर कैसा चल जाएगा, क्या चलता है, क्या सिस्टम रहेगा भाई, आप कमेंट बॉक्स में बता देना भाई। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो ने लाइक कर दो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दो भाई। तब तक के लिए राम राम।